नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांश। और बिहार में इन दिनों क्राइम चरम पर है। पहले गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर, उसके बाद फिर से एक और मर्डर, इसके बाद एक और बड़ी खबर आ गई है बिहार के समस्तीपुर जिले से, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के घर पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। हम बात कर रहे हैं समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवा की। मोरवा के गुनाय बस्ती में पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। करीब 7 की संख्या में अपराधी उनके घर पर पहुंचे थे और खूब सारा फायरिंग की गई, इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मंत्री काफी सहमे हुए हैं। पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी ने इस मामले की जानकारी थाने को दे दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो लगातार इन दिनों बिहार में बंदूक के गरज रही हैं। पहले गोपालगंज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके बाद एक और व्यक्ति की हत्या हुई। अब बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता वैद्यनाथ सहनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हालांकि इस हमले के पीछे क्या वजह है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। इसके बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्यों ये हमला हुआ, लेकिन इस हमले से पूरा परिवार एकदम सदमे में है, डरा हुआ है। पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सहनी ने इस मामले की जानकारी थाने को दे दी है। थाने के जो पुलिस है, पुलिसकर्मी इस मामले की जांच कर रहे हैं, तफ्तीश लगातार जारी है। तो बिहार में लगातार एक तरफ सरकार सुशासन का दावा कर रही है, वहीं क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार के तमाम मामलों की। आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। इस मामले में क्या कुछ नया खुलासा होता है, तमाम खुलासों के साथ एक बार फिर से हम आएंगे आपके साथ। आप बढ़ रहे फिलहाल हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।